दिल्ली NCR में गर्मी से हाल बेहाल है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि शाम में मौसम ने करवट ली और धूल भरी तेज आंधी चली, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसकी वजह गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन IMD के अनुसार दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, क्योंकि मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान लू चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में गुरुवार तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान है। वहीं नोएडा में 28 और 30 अप्रैल को आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं, जबकि गुरुग्राम में 1 मई को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों जगहों पर भी मौसम साफ ही रहेगा। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 22.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 20 से 40% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम साफ बना रहेगा। नोएडा में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और यहां भी मौसम साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ बना रहेगा। मंगलवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है और 201 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में AQI मध्यम श्रेणी में 192 जबकि गुरुग्राम में 131 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।